हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडशेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी, यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट आज भी 200 पॉइंट का रेंज में ही रहा, 35,100 से लेकर के 34,900 के बीच में, इसी 200 के रेंज में मार्केट आज भी पूरा डे ट्रेड करते रहा। यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट अभी एक रेंज है, 200 का बड़ा रेंज है, इस रेंज में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, आज पूरा डे इसी रेंज में रहा। तो अगर कल मार्केट का ओपनिंग इसी रेंज में कहीं पे भी होती है तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि 35,100 के ऊपर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करे 15 मिनट का, तो हम उस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे और सेम कैंडल के लो का एसएल रखेंगे। सेम कंडीशन डाउन साइड भी है कि अगर डाउन साइड भी कोई अगर कैंडल एक रेड कैंडल क्लोजिंग देती है डाउन साइड में 34,900 के नीचे, तो हम उस कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे और सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। कब? जब ये 34,900 से लेकर के 35,100 के बीच में इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपनिंग होती है, इस प्लस पे होती है ओपनिंग 35,100 के पास में या 35,050 के पास में या 35,000 के पास में, तो इस रेंज में कहीं पे भी 100 पॉइंट के रेंज में थोड़ा सा भी गैप अप ओपनिंग होती है तो हम पहले यहाँ पर वेट करेंगे, ये एक बार इस प्राइस को टेस्ट कर ले और इसके बाद ही अप मूव करे तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, या फिर बिग गैप अप हो जाए जैसे 35,200 के आसपास में तो भी यहाँ से मार्केट का हम पहले देखेंगे कि मार्केट किस तरह के यहाँ पर कैंडल बना रहा है। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे, और अगर नीचे क्रॉस करती है, इस कैंडल के लो के नीचे क्रॉस करती है तो इस कैंडल फिर हम यहाँ पर वेट करेंगे कि एक बार मार्केट इस तरह से आए और इस प्राइस को टेस्ट करे, इसके बाद अपर जाए तो हम बाई करेंगे इसके ऊपर। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, इस पॉइंट पर ओपनिंग हो जाए 34,650 या 34,700 के पास में हो जाए तो यहाँ पर भी हम वेट करेंगे कि मार्केट 15 मिनट का कैसा कैंडल बना रहा है। 15 मिनट का अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बना रहा है इस तरह से, तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे और सेम कैंडल के लो का एसएल रखेंगे, या फिर इस तरह से कोई कैंडल बनाती है, यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बनाती है, रेड कैंडल बनाती है और इस कैंडल के लो के नीचे क्रॉस करती है तो हम इस कैंडल के लो के नीचे अपना ट्रेड लगाएंगे और सेम कैंडल के हाई का एसएल रखेंगे। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर इस प्राइस को टेस्ट करने जाए और इसके बाद इस तरह से यहाँ पर प्राइस सेक्शन बना के डाउन है तो हम बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में हम वहाँ पर प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे तभी ट्रेड करेंगे, और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इस रेंज में 35,100 से लेकर के 34,900 के बीच में, इस रेंज में कहीं पर भी होती है तो हमारा आज का ही एनालिसिस रहेगा, इसके ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज हो जाने देंगे इसके बाद हम ट्रेड करेंगे, या फिर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाएगा और इसके लो के नीचे क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। मैंने कल बताया भी था यहाँ पर कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, इस रेंज में ओपन होकर के कहीं पे मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो हम बाय करेंगे। ओपनिंग तो इसका बहुत ही अच्छे प्लेस पर हुआ लेकिन ये मार्केट डाउन चला गया, लेकिन इसके नीचे कोई निगेटिव कैंडल क्लोज नहीं दिया, ये मार्केट नीचे तो आया तेज़ी से लेकिन बहुत ही फास्ट रिकवर कर गया, ऊपर चला गया और 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर इस तरह से बना दिया। लेकिन अगर तुरंत ही यहाँ से इस कैंडल का हाई का क्रॉस करता, इस कैंडल के हाई को नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करता तो यहाँ पर अच्छी बाइंग साइड मूवमेंट हो सकती थी, लेकिन मार्केट यहाँ पर होल्ड कर गया और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिला, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, ये यहाँ पर सपोर्ट जरूर, ये एरिया इसको रेजिस्टेंस जरूर करता, इस प्राइस को रिजेक्ट जरूर करता, इसलिए यहाँ पर हमने कोई बाइंग का पोजीशन नहीं बनाया, हमने वेट कर रहा था कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो, इसके ऊपर जाने का कोशिश तो किया लेकिन प्राइस तुरंत ही रिजेक्शन दे दिया और डाउन साइड आ गया, यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ ऊपर साइड में 35,100 के ऊपर, तो इसलिए हमारा ये परफेक्ट ट्रेड नहीं रहा, ये एक रेंज में फाइनली आज पूरा डे इसी रेंज के ट्रेड करते रहा। चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी 50 का क्या कंडीशन है। सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही आज निफ्टी यहाँ पर ट्रेड किया है, ये भी रेंज में रहा लेकिन ये डे एंड में थोड़ा सा डाउन साइड चला गया। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग इसी पॉइंट पर कहीं भी हुआ है लेकिन निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ थोड़ा सा डाउन जाने के बाद हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में एक
यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है, इस तरह से देखेंगे कि लगातार इस तरह से लोअर लो बनाते चला जा रहा है। इसका क्लोजिंग इस लाइन के नीचे हो भी चुका है, 15,840 के नीचे। तो अभी का क्या सिचुएशन है कि अगर मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में कहीं पे भी होती है, 15,840 से लेकर के 15,810 के बीच में 30 पॉइंट के रेंज में मार्केट का अगर ओपनिंग होती है और तुरंत इस लेवल को क्रॉस करती है 15,810 के, तो हम यहाँ पर फ्रेश सेलिंग करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी अपने जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। इसका जो सब नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 15,770 के आसपास, 770 या 780 के बीच में है, ऐसे ही कहीं पे भी ए पॉइंट आपका सपोर्ट ले सकता है। और इस सपोर्ट एरिया को भी अगर ब्रेक करता है तो इसके पास बहुत अच्छी स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस है डाउन साइड में निफ्टी में। फिर ए चला जाता है इस एरिया के पास 15,680, तो यहाँ पर मार्केट में बहुत ही अच्छा स्पेस है। लगभग यहाँ पर 90 पॉइंट का रेंज है, तो आपको यहाँ पर 90 पॉइंट मिल सकता है, एक के सपोर्ट ले सकता है। तो इसको भी अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर 90 पॉइंट का स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस है। और यहाँ पर लोअर लो कन्फर्म भी कर दिया, तो मार्केट का ओपनिंग परफेक्ट प्लेस पर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, 2-4 रुपये के रेंज में होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप अप होती है या गैप डाउन होती है तो, या थोड़ा सा भी गैप डाउन होती तो भी ये नीचे जा सकता है, बहुत अच्छा सुपर फॉल कर सकते हैं यहाँ से मार्केट। निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है तो निफ्टी में आपको डाउन साइड बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकती है। हम बाई कब कर सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, तो अगर मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में कहीं पे भी होती है 15,870 से लेकर के 15,810 के बीच में 60 पॉइंट के रेंज में मार्केट कहीं पे भी ओपन होती है और इसके ऊपर निकलती है 15,875 15,880 के ऊपर एक भी कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बनाती है तो हम इसके ऊपर बाई करेंगे और स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो कर रखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बाइंग साइड में मिल सकता है, लेकिन इसको पहले परफेक्ट प्लेस पर ओपन हो जाने दीजिए और इसको परफेक्ट प्राइस सेक्शन बना लेने दीजिए। लेकिन अगर बिग गैप अप हो जाए, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर कहीं पे भी मार्केट का अगर ओपनिंग हो जाती है इस पॉइंट पर, तो यहाँ से मार्केट फिर इस पॉइंट को टेस्ट करने आएगा, इसके बाद ही इसको अपसाइड क्रॉस करेगा। तो हम गैप अप में पहले यहाँ पर प्राइस सेक्शन देख लेंगे, पहले पैटर्न क्रिएट हो जाने देंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। और अगर बिग गैप डाउन हो जाती है, थोड़ा सा गैप डाउन में तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर रहेगा, इसके नीचे थोड़ा सा गैप डाउन होती है 5 से 10 रुपये का तो सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, या इसके नीचे भी गैप डाउन होती है तो भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। लेकिन अगर बिग गैप डाउन हो जाती है, इस रेंज के आसपास में हो जाती है 15,740 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट रिकवरी करने का चांस है, क्योंकि ये सपोर्ट ले सकता है तो यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर बिग गैप डाउन या बिग गैप अप में हम प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे तभी ट्रेड करेंगे। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है SEC, बहुत ही इसका परफेक्ट प्राइस सेक्शन बना हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि बिग अप मूव के बाद, इस रेंज से निकलने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, फिर इसके बाद दो डेज यहाँ पर होल्ड कर चुका है। अभी मार्केट का क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव साइन में हो चुका है, बहुत ही परफेक्ट प्लेस पर हो चुका है। तो अगर कल है 2370 के ऊपर निकलती है, कल है 2370 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा 2360 के आसपास। टारगेट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, दोगुना तिगुना 1:3 को भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट में यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट स्लोली अप मूव कर रहा है इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेंज बनाया, इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव साइन में क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर कल है 409 के ऊपर निकलती है तो हम बाय करेंगे। हाँ, इसका ओपनिंग बिल्कुल रेंज में होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट ओपन होना चाहिए, 1-2 रुपये के रेंज में होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है तो हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे। 409 के क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस 2 रुपये का रहेगा 407 के पास में, स्टॉप लॉस रहेगा 407 या 406 के आसपास में यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको 1:2, 1:3 भी मिल सकता है क्योंकि हाई के पास में है। नेक्स्ट स्टॉक है माइंडट्री में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लगातार अप, यहाँ पर एक अप मूव आने के बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड कर चुका, लगभग 6 से 7 दिन एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अभी ये निगेटिव हो चुका है, तो अगर कल है 2715 के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, 2715 के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, मात्र 15 से 20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा।
2700 के पास में या 2795 या 98 के आसपास में, इस तरह से 15 से 20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको ए पॉइंट भी देखने को मिल सकता है, 2600 का भी इस पॉइंट पा करके कहीं ये सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा डाउन साइड में मूव करने वाला है, लेकिन हाँ इसका ओपनिंग फ्लैट हो और 2715 के नीचे निकले तो ही हम यहाँ पर सेल करेंगे, वरना बिग गैप अप और बिग गैप डाउन हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस में आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आई, सेलिंग प्रेशर आने के बाद मार्केट वहाँ पर होल्ड कर चुका है। अभी इसका क्लोजिंग बहुत ही परफेक्ट प्लेस पर हो चुका है, तो कल अगर ये 2070 के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। 10 रुपये का एसर रहेगा 2060 का, और टारगेट आपको 1:2 मिल सकता है, 1:3 भी मिल सकता है, ये प्राइस भी आ सकता है 2020 के आसपास में भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है वो है एगिस लॉजिस्टिक। यहाँ पर देखेंगे कि ये भी बहुत ही अच्छा डाउनफॉल हुआ है, इसके बाद यहाँ पर इसने हॉल्ट लिया और इसका क्लोजिंग डाउन साइड में हो चुका है। तो अगर कल ये 315 के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2, 1:3 भी यहाँ पर मिल सकता है, इसके पास भी बहुत ही अच्छा स्पेस है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।